नमस्कार, एक बार फिर साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पूजा स्थल कानून 1991 की वैधानिकता जांचेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। स्वीडन स्थित वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के अनुसार भारत के लोकतंत्र में आई गिरावट। देश में निवेशक को बढ़ावा देने और घरेलू इन्वेस्टर्स की मदद के लिए केंद्र सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। शहरी झुग्गियों की केवल आधी आबादी करती है एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल, कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 की रिपोर्ट में इस बात का हुआ खुलासा। इंडियन नेवी में शामिल हुई INS करंज सबमरीन। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को माना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का आधार स्तंभ। NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित केंद्रीय आयोग 5 महीने में हुआ बंद। हिंद महासागर की जीनोम मैपिंग में जुटे विज्ञानी। करीब 90% समुद्र अभी भी बना हुआ है अबूझ पहले। ग्लोबल थिंक टैंक सीप्री के अनुसार भारत के हथियार आयात में 5 वर्षों के दौरान आई गिरावट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत में हैं। और यूरोपीय संघ की संसद ने कैटालोनिया के 3 अलगाववादियों को दिया संरक्षण हटाया। अब खबरें विस्तार के साथ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उपासना स्थल या पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब देने को कहा है। पूजा स्थल विशेष उपबंध कानून 1991 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार का मन बनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। मांग है कि कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द किया जाए, क्योंकि इन प्रावधानों को क्रूर आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता दी गई है। आखिर क्या है उपासना स्थल या पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991? तो साल 1991 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम पारित करवाया था। यह कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन यह कानून ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इस कानून का सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के भिन्न अनुभाग के या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इस कानून के सेक्शन 4 में लिखा है कि यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन मौजूद था। इसी कानून के सेक्शन 4(2) में लिखा है कि यदि इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो वह रद्द हो जाएगी। और ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उन आधारों की जिस पर इस अधिनियम को चुनौती दी गई है। यह कानून भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच भेदभाव करता है, जबकि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कानून हिंदू लॉ के इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि मंदिर की संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती, चाहे बाहरी व्यक्ति वर्षों उसका उपयोग क्यों ना कर ले, भगवान न्यायिक व्यक्ति होते हैं। यह अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को धर्म के पालन और उसके प्रचार के मिले अधिकार को बाधित करता है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को भगवान की संपत्ति व धार्मिक संपत्ति रखने और अनुच्छेद 26 में मिले धार्मिक स्थल प्रबंधन के अधिकार को बाधित करता है। हिंदू,
बौद्ध, जैन और सिख को अपने पूजा स्थलों और तीर्थों का वापस कब्जा पाने से वंचित करता है, जबकि मुसलमानों को वक्फ कानून की धारा 7 के तहत ऐसा अधिकार है। आक्रांताओं के गैर कानूनी कृत्यों को कानूनी मान्यता देता है और प्रभावितों को अदालत के जरिए अपने धार्मिक स्थलों और तीर्थों को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। केंद्र को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में तीर्थ स्थल राज्य का विषय है, पब्लिक ऑर्डर भी राज्य का विषय है। इसलिए केंद्र कानून बनाकर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये थी उपासना स्थल या पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 से संबंधित खबर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। स्वीडन स्थित वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी यानी वीडेम के एक विश्लेषणात्मक शोध परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब ब्राजील और तुर्की के साथ विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां लोकतंत्र में गिरावट आई है। ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल नामक इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि इससे पहले भारत को एक चुनावी लोकतंत्र देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वहीं यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में इसलिए भी चिंताजनक है कि वीडेम की यह रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में शामिल करने के बाद आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति अब उतनी ही निरंकुश देश की है जितनी कि उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। भारत में निरंकुशता की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों से खराब है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से देश में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है, जिसमें मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ने के साथ शिक्षाविदों और पत्रकारों को धमकी, साथ ही एक विशेष धर्म के प्रति भेदभाव में वृद्धि देखी गई। वीडेम की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2010 में 0.57 से घटकर 2020 में 0.34 हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतंत्र के कई पहलुओं जैसे नागरिक समाज और मुक्त भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 के चुनाव के बाद से ही भारत में 0 से 1 पैमाने पर 23% की गिरावट आई है। भारत की स्थिति में गिरावट के जिन कारणों का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है उसके अनुसार भारत सरकार द्वारा आलोचकों को चुप कराने तथा आतंकी गतिविधि को समाप्त करने के उद्देश्य से राजद्रोह अधिनियम की धारा 124A, मानहानि अधिनियम की धारा 499 का उपयोग किया गया है। सरकार ने नागरिक समाज संगठनों के प्रवेश, निकास और कामकाज को प्रतिबंधित करने हेतु विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 का प्रयोग किया है। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम संशोधन विधेयक 1967 यानी UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानूनों का बार बार प्रयोग किया गया है। वहीं वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में एशिया, प्रशांत क्षेत्र, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में उदार लोकतांत्रिक की स्थिति में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। अब बात करते हैं वीडेम की। वीडेम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र शोध संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक स्टेफर्ड लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। वीडेम की वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट 2002 देशों के लगभग 30 मिलियन डेटा बिंदुओं के डेटा सेट पर आधारित होता है। तो ये थी हमारी दूसरी खबर। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। केंद्र सरकार देश में निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू इन्वेस्टर्स की मदद के लिए जल्द ही आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च करेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश में निवेशकों की मदद करने के साथ उन्हें जागरूक करने और उन तक स्टॉक मार्केट के साथ बिजनेस की सभी जानकारियां मुहैया कराने के लिए सरकार आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल डेवलप कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल अभी टेस्टिंग फेज में है और 1 मई 2021 को इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय एक वेब पेज बना रही है जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और यह मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होगा। इस पोर्टल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नई योजनाओं,
पहल और नीतियों पर डेली अपडेट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अप्रूवल, लाइसेंस, क्लियरेंस सहित विभिन्न अन्य जानकारियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जमीन की उपलब्धता, एक्सेशन सिस्टम से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT यह पोर्टल विकसित कर रहा है। यह पोर्टल निवेशकों को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसके अलावा यह उन्हें निवेश के मौकों, इंसेंटिव और टैक्स के साथ रॉ मटेरियल की उपलब्धता, फंडिंग के सोर्स, टेंडर की जानकारियां, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 6 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रहने वाली 1/4 शहरी गरीब आबादी की पहुंच से LPG सिलेंडर दूर होता जा रहा है। काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर के कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। यह सर्वे 6 राज्यों के 58 जिले के 83 शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 656 घरों पर किया गया। सर्वे के अनुसार इन शहरी झुग्गियों में रह रहे करीब 86% परिवारों के पास LPG गैस कनेक्शन है। बावजूद इसके 50% ऐसे लोगों की पहुंच से LPG सिलेंडर दूर होता जा रहा है। इन 6 राज्यों में देश की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली 1/4 आबादी निवास करती है। कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 से जुड़े प्रमुख तथ्यों की बात करें तो अध्ययन में यह पाया गया कि 16% घरों में अभी भी पारंपरिक ईंधन मतलब लकड़ी, गोबर के उपले, कृषि अवशेष, लकड़ी का कोयला और मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल का प्रयोग प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही 1/3 से ज्यादा लोग LPG के साथ साथ इन पारंपरिक ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण LPG कनेक्शनों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी LPG का प्रयोग मुख्य ईंधन के रूप में झुग्गियों में मात्र आधे ही घरों तक सीमित है। अगर इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो झुग्गियों के अधिकांश घर LPG के खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है। झुग्गी परिवार LPG पर प्रारंभिक सब्सिडी प्राप्त करने के बाद LPG को रिफिल करने का जोखिम नहीं उठाते हैं। अब एक नजर काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर पर। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च संस्थान है। इस संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है। अपने अध्ययन के जरिए CEEW संसाधनों के उपयोग, फिर से उपयोग से संबंधित आंकड़ों, नीतियों इत्यादि को प्रकाशित करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना की 3री स्टिल्थ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी INS करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया है। INS करंज के नौसेना में शामिल होने के बाद हमारे देश की समुद्री ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। INS करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी आवाज के दुश्मन के खेमे में पहुंचकर तबाह करने की क्षमता रखती है। INS करंज के नाम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। INS करंज के हर अक्षर का एक मतलब है, यानी K से किलर इंस्टिंक्ट, A से आत्मनिर्भर भारत, R से रेडी, A से एग्रेसिव, N से निम्बल और J से जोश। इससे पहले इस श्रेणी की 2 पनडुब्बियों INS कलवरी और INS खंडेरी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। अब 4थी पनडुब्बी INS वेला का समुद्री ट्रायल किया जा रहा है। INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ऐसा दावा है कि INS करंज में सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब करने की क्षमता है। इसके साथ ही इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइन लेइंग और एरिया सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है। INS करंज की लंबाई करीब 70 मीटर की है और ऊंचाई 12 मीटर है। इस पनडुब्बी का वजन 1600 टन है। ये पनडुब्बी मिसाइल टॉर्पीडो से लेस है। इसके अलावा समुद्र में माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत भी रखती है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है
जिससे दुश्मन देशों की नौसेनाओं के लिए इसकी टोह लेना मुश्किल होगा। इन तकनीकों में अत्याधुनिक अकुस्टिक साइलेंसिंग तकनीक, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल, हाइड्रो डायनेमिकली ऑप्टिमाइज शेप शामिल है। पनडुब्बी को बनाते हुए पनडुब्बियों का पता लगाने वाले कारणों को ध्यान में रखा गया, जिससे ये पनडुब्बी ज्यादातर पनडुब्बियों की अपेक्षा सुरक्षित हो गई है। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक को DRDO के नेवल मटेरियल्स रिसर्च लैब ने विकसित किया है। पुरानी पनडुब्बी करंज के मुकाबले नई करंज में AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन को शामिल किया गया है। आखिर क्या होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन? दरअसल जब पनडुब्बी को बैटरी से चलाते हैं तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि डीजल इंजन से बैटरी को चार्ज करते हैं और डीजल इंजन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच क्वाड देशों की बैठक को खासी अहमियत दी जा रही है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च को हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वर्चुअल तरीके से आयोजित क्वाड की इस बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए। इसमें चीन के लिए स्पष्ट संदेश था और बीजिंग ने इसे महसूस भी किया, जिसे उसके बयानों में साफ देखा जा सकता है। क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन को लेकर चीन की बेचैनी इस बात से समझी जा सकती है कि बैठक शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले ही उसने बयान जारी कर कहा कि दुनिया के देशों को किसी तरह का एक्सक्लूसिव ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, ना ही किसी तीसरे पक्ष के हितों पर निशाना साधना या उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। इससे पहले भी एक बयान में चीनी विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई थी कि चारों देश कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिकूल हो। ऐसे में सहज सवाल उठता है कि जिस क्वाड को लेकर चीन इतना चिंतित है, आखिर वह क्या है? यह चार देशों का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। यह गौर करने वाली बात है कि जो चार देश इस समूह में शामिल हैं वो दुनिया के प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं। इनके रक्षात्मक हितों में हालांकि आपसी टकराव देखने को मिलता है, पर एक बात पर सब एक साथ नजर आते हैं, जो है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व ने कई देशों के लिए चिंताएं पैदा की हैं। ऐसे में क्वाड देशों के बीच आपसी सहयोग को खासा अहम माना जा रहा है। भारत के संदर्भ में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि क्वाड की औपचारिक तौर पर स्थापना तो 2007 में ही हो गई थी, लेकिन अब तक इसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। साल 2017 में इसका पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद अब 12 मार्च को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ है। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब बीते करीब एक साल से पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत और चीन के रिश्तों में दरार बढ़ी है, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापार, सुरक्षा सहित कई अन्य मसलों को लेकर विगत 3-4 वर्षों में रिश्ते खट्टे हुए हैं। क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन के बाद हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चारों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसमें कोरोना वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के लिए संसाधन जुटाने पर भी सहमति बनी। क्वाड की अवधारणा 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दी थी और तब चारों देशों की नौसेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास भी किया था, लेकिन उसके बाद इस दिशा में कुछ ठोस नहीं किया जा सका। लेकिन बीते साल चीन से तनाव के बीच भारत ने फिर से इसे मजबूत बनाने का प्रयास शुरू किया। ऐसे में भारत के लिए इसकी अहमियत साफ समझी जा सकती है। क्वाड शिखर सम्मेलन के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की चारों प्रमुख आर्थिक शक्तियों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि इस क्षेत्र में उसके दबदबे को स्वीकार नहीं किया जाएगा
और उसे कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उठाना होगा। क्वाड देशों के नेताओं ने भविष्य में क्षेत्र में समान हित साझा करने वाले देशों को भी इस मुहिम से जोड़ने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग अपनी स्थापना के 5 महीने बाद ही बंद हो गया। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के तहत पिछले साल अक्टूबर में किया था। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के साथ ही यह बंद हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण सचिव के अनुसार अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए इसे संसद का सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर सदन में पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसकी वैधता समाप्त हो गई और आयोग स्वतः भंग हो गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव M.M. कुट्टी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण संकट से निपटने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी। इसके तहत 18 सदस्यीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 के अनुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु निर्मित यह आयोग पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण का स्थान लेने वाला था। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च निगरानी इकाई के रूप में गठित किया था। अध्यादेश के द्वारा जिस आयोग का गठन किया गया था उसका कार्य था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्रवाई करना, विभिन्न स्रोतों से प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानक तैयार करना, आदेश निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना। इस आयोग के पास दंडात्मक शक्तियां भी थी, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के स्तर पर स्थल को बंद करने या जांच करने के संदर्भ में वारंट जारी करने की शक्ति, आदेशों के ना मानने पर जुर्माने के साथ कैद की सजा देने की शक्ति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। पृथ्वी का 70% भाग जल से घिरा है और धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के संसार में 90% समुद्री जीव शामिल हैं। लेकिन रहस्य से भरे महासागरों के बारे में जानकारी बहुत ही कम है। बताया जाता है कि 95% समुद्र एक अबूझ पहेली बना हुआ है। समुद्र अपने गर्भ में दुर्लभ जीव जंतुओं, बैक्टीरिया और वनस्पतियों का संसार समेटे हुए है। समुद्र में छिपे इन रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की गोवा स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग के लिए एक अभियान शुरू किया है जो समुद्री रहस्यों की परतें खोलने में मददगार हो सकता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर विश्व का 3रा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। इस अभियान के अंतर्गत हिंद महासागर के विभिन्न हिस्सों में आणविक स्तर पर समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की जाएगी। जीनोम के निष्कर्षों के साथ शोधकर्ता समुद्री सूक्ष्म जीवों पर जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान हिंद महासागर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 मीटर की गहराई से नमूने एकत्र किए जाएंगे। विशाखापत्तनम बंदरगाह से 14 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत लगभग 10,000 समुद्री मील की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान 90 दिनों तक हिंद महासागर के रहस्यों को उजागर करने के लिए बड़ी मात्रा में नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। CSIR NIO के वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च वेसल सिंधु साधना पर सवार होकर हिंद महासागर के रहस्यों की पड़ताल करने निकली है। NIO के 23 वैज्ञानिकों का दल इस अभियान पर गया है।
जिसमें 6 महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं। CSIRNIO के अनुसार हिंद महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को समझने के लिए आधुनिक आणविक बायोमेडिकल तकनीकों, जीनोम सीक्वेंसिंग और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इस जीनोम मैपिंग के माध्यम से बदलती जलवायु दशाओं को ध्यान में रखते हुए महासागर में मौजूद सूक्ष्म जीवों की जैव रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन भी किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीनोम सीक्वेंसिंग समुद्री जीवों के आरएनए और डीएनए में परिवर्तन और महासागरीय सूक्ष्म जीवों की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रभावी कारकों की पहचान करने में मददगार हो सकती है। इस अध्ययन में वैज्ञानिक समुद्र के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट खनिजों की प्रचुरता और कमी को समझने की कोशिश भी करेंगे, जिसका उपयोग महासागरीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में सुधार से जुड़ी रणनीतियों में किया जा सकता है। अब बात करते हैं जीनोम एवं जीनोम मैपिंग की। तो जीवों की कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है तथा एक जीन के स्थान और जीन के बीच की दूरी की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को ही जीनोम मैपिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के हथियार आयात में पिछले 5 वर्षों के दौरान 33% तक गिरावट हुई है। हालांकि इसके बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है। यह जानकारी ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी द्वारा दुनिया में हथियारों के आयात के बारे में जारी आंकड़ों से मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण के बारे में जारी किए गए सीपरी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016-20 के दौरान भारत की कुल वैश्विक हथियारों के आयात की तुलना में 9.5% सहभागिता रही। वर्ष 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 33% तक गिरावट हुई। हालांकि दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक सऊदी अरब के बाद भारत इस सूची में दूसरे क्रम पर है। वहीं हथियार आयातकों की सूची में सऊदी अरब सबसे पहले नंबर पर है, इसके बाद भारत, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। इस स्पेशल लिस्ट में पाकिस्तान को 10वें स्थान पर रखा गया है। साल 2016-20 के दौरान भारत के शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता रूस, फ्रांस और इजराइल थे। इसके बाद अमेरिका चौथे स्थान पर था। भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट के लिए सीपरी ने जटिल और लंबी खरीद प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों को प्रमुख कारण बताया है। स्वीडिश थिंक टैंक ने कहा कि भारत के मामले में रूस सबसे अधिक प्रभावित आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अमेरिका से भारत के हथियारों के आयात में भी 46% कमी आई है। पिछले 15 वर्षों में भारत ने हथियारों के आयात के लिए अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की ओर बढ़ते हुए अपने हथियारों के आयात को निश्चित रूप से व्यापक आधार दिया है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 1.5 मिलियन मजबूत हथियारों में 60% से अधिक हथियार प्रणालियां अभी भी रूसी मूल की हैं। आपको बता दें कि हथियारों पर सीपरी का सांख्यिकीय डेटा प्रमुख हथियार प्रणालियों की वास्तविक डिलीवरी से संबंधित है, इसलिए इसमें रूस के साथ भारत के उन बड़े सौदों को शामिल नहीं किया गया जिसके लिए अभी डिलीवरी शुरू होना बाकी है। इनमें 2018 में S-400 ट्रायम्फ, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के लिए $5.43 बिलियन और 2019 में अकुला परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बी की $3 बिलियन की लीज शामिल है। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा औद्योगिक तंत्र की मजबूती के साथ ही विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता के मकसद से कई अहम नीतिगत फैसले लिए हैं। हालांकि इसे अभी जमीन पर साकार होना बाकी है। सीपरी की रिपोर्ट में उल्लेख है, जैसा भारत को लगता है कि पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरे हैं और बड़े हथियार बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में काफी देरी हुई है,
या हथियारों के आयात के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की योजना बना रहा है। उनसे आने वाले 5 वर्षों के दौरान आयात में वृद्धि करने की उम्मीद की जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 5 साल की 2 अवधि के बीच पाकिस्तान द्वारा शस्त्र आयात में भी 23% की कमी आई, लेकिन 2016 से 20 में चीन का इस आयात में 74% हिस्सा रहा। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि साल 2028 तक पाकिस्तान को कई बड़ी डिलीवरी मिलने वाली है। इसमें 50 लड़ाकू विमान, 8 पनडुब्बी और चीन के साथ ही तुर्की से 4 फ्रिगेट का आयात भी शामिल है। सिप्री के मुताबिक साल 2016 से 20 में बड़े हथियारों के मामले में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन थे। कुल निर्यात में इन सभी निर्यातों का हिस्सा 76% रहा। भारत को हथियार निर्यातकों के मामले में 24वें स्थान पर रखा गया, जो कुल वैश्विक आंकड़ों का 0.2% है। भारत से हथियारों के 3 प्रमुख आयातक म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस हैं। इन जानकारियों के बीच यहां यह बताना उल्लेखनीय है कि भारत ने 2024 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन का टर्नओवर प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब एक नजर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीप्री पर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण व निःशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम में हुई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा, डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत में है। इन 22 शहरों में से 10 शहर उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दुनिया के प्रदूषित शहरों में 9वें स्थान पर है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में शीर्ष पर है। हालांकि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिली है, लेकिन यह नाकाफी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2019 से 20 की तुलना में 15% बेहतर हुई है। IQ एयर रिपोर्ट 2019 के मुकाबले 2020 की रिपोर्ट में भारतीय शहर 63% पहले से बेहतर हुई है। हालांकि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं, फिर भी इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य और आर्थिक कीमत चिंताजनक बनी हुई है। ये रिपोर्ट COVID-19 लॉकडाउन से वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को भी दर्ज करती है। दरअसल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में फेफड़े को नुकसान पहुंचाने वाले एयर बॉर्न पार्टिकल PM 2.5 के आधार पर वायु गुणवत्ता मापकर संगठन ने रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान से 49 शहर आते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में देशों की रैंकिंग में बांग्लादेश की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। इसके बाद पाकिस्तान और भारत का नंबर आता है, जबकि वर्ल्ड कैपिटल सिटी रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है, उसके बाद ढाका और उलान बटोर का नंबर आता है। ग्रीन पीस इंडिया के क्लाइमेट कैंपेनर के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से भले ही दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, पर वायु प्रदूषण का अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव भयावह है। बेहतर यही होगा कि सरकार सतत और स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे, साथ ही यातायात के लिए सस्ते, सुचारू और कार्बन न्यूट्रल विकल्पों को बढ़ावा दे, जैसे कि पैदल चलना, साइकिलिंग और समावेशी सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण के कारण परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट जलाना और समय समय पर पराली जलाना आदि है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 20-40% वायु प्रदूषण पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की वजह से होता है। हालांकि साल 2020 में वायु प्रदूषण में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब 2021 में प्रदूषण फिर से अपने खतरनाक स्तर को छूता हुआ दिख रहा है।
अब एक नजर IQ Air पर। IQ Air एक स्विट्जरलैंड आधारित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। 1963 में स्थापित इस कंपनी का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को सूचना, सहयोग और प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए लोगों को सशक्त बनाना है। वायु प्रदूषण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावसाय और ग्रीन पीस के प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम खबर की ओर। यूरोपीय संघ की संसद ने मतदान कर स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रपति कार्लस पुइगडे मोंट और उनके दो सहयोगियों को दिया गया संरक्षण समाप्त कर दिया। इसके साथ ही उनके प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कार्ल्स को दी गई छूट खत्म करने के प्रस्ताव पर 400 सांसदों ने पक्ष में जबकि 248 ने इसके विरोध में मतदान किया। वहीं 45 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उनके दो सहयोगियों को मिली छूट समाप्त करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। यूरोपीय संघ के सदस्य स्पेन का भाग कैटालोनिया लंबे समय से स्पेन से पृथक होकर एक नए देश के रूप में मान्यता चाहता है, जिसके लिए समय समय पर जनमत संग्रह का भी सहारा लिया गया। कैटालोनिया के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्टूबर 2017 में कार्ल्स और उनके कई सहयोगी भागकर बेल्जियम चले गए। स्पेन की सरकार ने इस जनमत संग्रह को अवैध करार दिया था। यूरोपीय संघ नहीं चाहता कि किसी भी तरह से स्पेन की अखंडता के लिए कोई चुनौती पैदा हो, लेकिन हाल में स्पेन के कैटालोनिया प्रांत में हुए चुनाव में आजादी की समर्थक पार्टियों की सीटों में खासा इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष हुए चुनाव में कैटालोनिया प्रांत में यह पहली बार हुआ जब आजादी समर्थक पार्टियों ने आधे से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। उन्हें 51% वोट मिले हैं। 2017 में हुए चुनाव में इन पार्टियों को लगभग 47.5% वोट मिले थे। ताजा नतीजों के आधार पर 135 सदस्यीय प्रांतीय संसद में इन पार्टियों को 74 सीटें मिली हैं। कैटालोनिया स्पेन के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। स्पेन के भीतर यह एक स्वायत्त क्षेत्र था। साल 1939 से 1975 के बीच जनरल फ्रेंको की सरकार ने कैटालोनिया की स्वायत्तता को खत्म कर दिया था, परंतु जनरल फ्रेंको की मौत के बाद कैटालोनिया को आजाद करने की मांग फिर से उठने लगी थी। आज भी कैटालोनिया प्रांत के लोग कैटालोनिया प्रांत की उसी पूर्व की स्थिति को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। अगर आपको हमारी टीम का यह कार्य प्रशंसनीय लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवगत कराएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.